एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्वती ब्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेजिटेबल खिचड़ी। तो यहाँ मैंने सारे सब्जियाँ काट के धो के रख ली है और दाल और चावल को धो के पहले से ही रख लिया है। कुकर में हमने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और उसमें तेज़पत्ता और जीरा ऐड किया है। अब इन्हें थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, उसके बाद हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे। तो जीरा को अच्छे से चटकने देते हैं ब्राउन होने तक। इस तरीके से अगर आप खिचड़ी बनाएंगे तो वो बहुत ही टेस्टी और बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगी। तो हमने सब्जी ऐड कर ली है और उसके बाद हम यहाँ सारी चीज़ें एक साथ ऐड की है। सब्जियाँ पहले ऐड की है, उसके बाद लहसुन कटे हुए, प्याज कटे हुए, टमाटर, हरी मिर्ची, सब चीज़ों को एक साथ ऐड किया है और इसे अच्छे से भून लेंगे। सारी चीज़ें एक साथ ही भून जाएंगी तेल में। तो आप देखते जाइए, वीडियो में बने रहिए किस तरीके से मैं बना रही हूँ। ये देखिए, इन्हें भुन रहे हैं और उसके बाद ये सारे मसाले हैं, धनिया, गरम मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। इन सब मसालों को भी ऐड कर लेते हैं इसमें। थोड़ा सा पहले सब्जी को भुनने दिया है, उसके बाद मैंने डाला है ये मसाले। 2 मिनट सब्जी को भुनने के बाद मसाले ऐड करने हैं। उसके बाद मसालों को भी थोड़ा सा भुनेंगे हम अच्छे से, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, मसाले अच्छे से पक सके। तो ये देखिए कितने अच्छे से सब्जियां भुन चुकी है। बैंगन, गोभी, आलू, आपके पास जो सब्जी है सीज़न वाली आप ले सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने, अगर मटर मिले तो बहुत ही अच्छा है, मटर भी ऐड कीजिए, बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है। अब हमने जो चावल और दाल को धो के रखा था, यहाँ मैंने मसूर की दाल और चावल लिया है और उनको मैंने ऐड कर लिया है और इसे भी 1 मिनट के लिए भुनेंगे। ये मसालेदार खिचड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, चटपटी एकदम। आप अपने हिसाब से मिर्च वगैरह ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक मिनट चावल और दाल को भुनने के बाद इसमें पानी ऐड किया है। खिचड़ी है तो पानी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक को। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे नमक मिक्स करने के बाद। उसके बाद हम इसे 2 सीटी आने तक पकने देंगे। दो सीटी आने के बाद हम थोड़ा सा भाप को निकाल देंगे और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारे यहाँ सैटरडे को ज़रूर खिचड़ी बनती है, तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बोरिंग नहीं बनेगी, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार खिचड़ी बनके रेडी है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से अगर आप खिचड़ी बनाते हैं तो सब खाएँगे, बच्चे बड़े सब इंटरेस्ट लेकर खाएँगे। तो अगर मेरी ये खिचड़ी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि जो भी मैं और रेसिपी लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग वॉच कर सकें। तो चलिए हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए मैंने सर्व कर लिया है। इसके साथ आप सैलेड, अचार, जो भी चीज़ें आप सर्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।